हेलो फ्रेंड, आज मैं स्केच किट बनाने वाला हूँ। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, ये फाइल फोल्डर है जिसके अंदर अपन डॉक्यूमेंट वगैरह पेपर वगैरह रखते हैं। इसकी मदद से ही आज मैं स्केच किट बनाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक फाइल फोल्डर है। इस फाइल फोल्डर की मदद से आज मैं स्केच किट बनाने वाला हूँ। ये फाइल फोल्डर आपको मार्केट में मिल जाएगा 100-150 रुपए का। ये डॉक्यूमेंट फाइल फोल्डर है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट वगैरह पेपर वगैरह रखते हैं। ये चारों तरफ से चेन से कवर आता है। चेन खोलने के बाद अंदर कुछ इस तरीके का सीनरी है। ये पन्नी है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट पेपर वगैरह रखते हैं। तो इस पन्नी का अपने स्केच किट में कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले इस पन्नी को मैं हटाता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेसर बताता हूँ। ये देखिए, मैंने पन्नी हटा दी। हटाने के बाद ये साइड की जो पॉकेट है, इनको मैं ओपन कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर अपन टूल्स रख सके बड़े। ये देखिए, मैंने इसको काट दिया, ओपन कर दिया। उसके बाद ब्लैक कलर की पट्टी चाहिए, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी 5-10 रुपए की। इसके अंदर अपन पेंसिल वगैरह रखेंगे कुछ इस तरीके। उसके बाद फेविक्यूब की मदद से भी जो इनकी पॉकेट है, उनको मैं पैक कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि ये अच्छे से मजबूत और बढ़िया चिपक जाए। इनके अंदर अपन जो हार्डवेयर टूल्स होते हैं, कैंची कटर वगैरह, वो रखेंगे इनके अंदर। ये देखिए, मजबूती से अच्छे से ये चिपक चुका है। उसके बाद जो मैंने आपको ब्लैक पट्टी बताई थी जिसके अंदर अपन पेंसिल वगैरह रखेंगे, उसको मैं घर पे सिल रहा हूँ पेंसिल के साइज का। आप चाहते हो इसको घर पे भी सिल सकते हैं, आप चाहते हो इसको मार्केट से भी सिलवा सकते हैं। सिलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इसके अंदर सारे हार्डवेयर टूल्स आएंगे, बड़े टूल्स। ये भी मैंने मशीन से सिला है, इस तरीके आप भी सिल सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैं फेविक्यू की मदद से इसको चिपका रहा हूँ बिल्कुल मजबूती से, ताकि ये हिले नहीं और मजबूती से चिपक जाए। उसके बाद चिपकाने के बाद देखिए कितना अच्छा और कितना यूनिक दिख रहा है। गाइस, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाने में और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो पेंसिल के लिए बनाया था मैंने, उसको भी मैं चिपका रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से मजबूती से फेविक्यूब की मदद से। ये देखिए, मैंने एक दूसरा कलर का बनाया जिससे ये थोड़ा और अच्छा और यूनिक दिखे, इसको भी मैं फेविक्यूब की मदद से चिपका रहा हूँ। ये देखिए, बनके पूरा कंप्लीट हो चुका। अब इसके अंदर मैं पेंसिल वगैरह और टूल्स वगैरह रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताता हूँ इस किट के अंदर मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ये देखिए, रबड़ है, ये मैकेनिज्म रबड़ है। उसके बाद ये पेन है, ये कटर है, और ये मार्कर है। ये अपनी पेंसिल है जो मैं कंटिन्यू वे पे यूज़ करता हूँ, और ये सारी न्यू पेंसिल है, और ये लीड पेंसिल है जिसे अपन मैकेनिज्म पेंसिल भी कहते हैं, और ये पेन वगैरह है, और ये लीड पेंसिल की लीड है। ये रुई है जिसे शेडिंग वगैरह करते हैं। ये रबड़ शॉपरन, और इसके अंदर भी अंदर आप सामान रख सकते हो, चेन भी लगा सकते हो। और इस बड़ी वाली पॉकेट के अंदर आप पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो। ये बड़ी पॉकेट है, इसके अंदर आपके पेपर वगैरह आराम से आ जाएंगे। उसके बाद साइड में ये स्केल है, इसमें आप स्केल रख सकते हो। अब इस किट को मैं एक बार बंद करके दिखा देता हूँ आपको। बंद करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से आप इसको बंद कर सकते हो, चेन लगा सकते हो। ये देखिए, बिल्कुल ईजिली बहुत आसानी से ये बंद हो चुका है। उसके बाद उसको उठा के आप कहीं भी ले जा सकते हो, इसका आपका कोई भी टूल्स गिरेगा नहीं, बिल्कुल सेफ रहेगा। तो गाइस, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये कैसा लगा। हेलो फ्रेंड, ये स्केच पेंसिल किट बनके कंप्लीट हो चुका है। आपने पूरी वीडियो देखी, मैंने ये खुद ने बनाया। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।